Şuradır. प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो तीन वाक्य में दीजिए। प्रश्न क, कृष्ण यशोदा से क्या शिकायत और क्यों करता है? उत्तर, बालक कृष्ण माता यशोदा से यह शिकायत करता है कि उनके बड़े भैया बलराम उन्हें चिढ़ाता है और ये भी कहता है तुम्हें खरीद कर लाया गया है। प्रश्न ख, बलराम श्री कृष्ण से क्या पूछते हैं? उत्तर, बलराम श्री कृष्ण से बार बार पूछता है तुम्हारे माता पिता कौन है? नंद गोरे है, यशोदा गोरी, तू क्यों काला है? प्रश्न ग, यशोदा किसकी कसम खाती है और क्या कहती है? उत्तर, यशोदा गधन की कसम खाती है और श्री कृष्ण से कहती है मैं ही तेरे माता हूँ और तू ही मेरे पुत्र है। प्रश्न घ, चुटकी देकर ग्याल बालक क्यों नाचते हैं? उत्तर, नंद गोरे है, यशोदा गोरी, तू क्यों काला है? यही बात सुनकर मुझे चिढ़ाने के लिए ग्वाल बालक चुटकी बजाकर नाचते हैं, मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर टू का, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुम्हर, कौन है तुमरो तात? इसका मतलब है बलराम भैया मुझे बार बार पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन है। प्रश्न ख, शूर श्याम मोही गोधन की सौ हो माता तू पोत। इसका अर्थ है माँ यशोदा श्री कृष्ण से कहती है तुम्हारे बड़े भैया चुगलखोर और जन्म से शरारती है, मैं गधन की कसम खाकर कहती हूँ मैं तेरे माता और तू मेरे पुत्र है। ग, तनक तनक चरण निस्सो नाचत मनाही मनाही रिझावन। इसका अर्थ है बालक श्री कृष्ण घर के आंगन में खेल रहे थे, श्री कृष्ण अपने आप कुछ गा रहे थे, वो गाते गाते नन्हे नन्हे चरण से नाचते भी है और मन मगन भी हो रहे हैं। घ, कब हुक चित्रे प्रतिबिंब खम्ब में लोनी लिए खया खवायत। इसका अर्थ है नन्हे बालक कृष्ण मग्न में नाच रहे हैं, कभी घर के बाहर कभी अंदर जाते हैं, घर में जाकर थोड़ा मक्खन खा लेते हैं, थोड़ा मुंह में लगा लेते थे, कभी खंबे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे माखन खिलाते हैं। नंबर तीन, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न क, बाल लीला पद के रचयिता कौन है? उत्तर, बाल लीला पद के रचयिता महान कवि सूरदास जी हैं। प्रश्न ख, कौन कहता है कि तुझे मोल कर लाया है? उत्तर, बलराम कहता है कि तुझे मोल कर लाया गया है। प्रश्न ग, बलराम पुन्न पुन्न क्या कहता है? उत्तर, बलराम पुन्न पुन्न श्री कृष्ण से पूछता है तुम्हारे माता पिता कौन है? प्रश्न घ, ग्वाल बालक किस तरह हंसते हैं? उत्तर, ग्वाल बालक चुटकी बजाकर हंसते हैं। प्रश्न व,
माँ यशोदा ने किसे मारना सीखा है? उत्तर, माँ यशोदा ने बालक श्री कृष्ण को मारना सीखा है। नंबर 4, कौन दाव पर नहीं खींचते हैं? उत्तर, माता यशोदा दाव पर नहीं खींचते हैं। प्रश्न 6, श्याम शरीर का अर्थ क्या है? उत्तर, श्याम शरीर का अर्थ काला है। प्रश्न ज, जनमत को होदहूत का अर्थ क्या है? उत्तर, जनमत को होदहूत का अर्थ बलराम जान से ही शरारती है। प्रश्न झ, माँ यशोदा किसकी सौगंध खाती है? उत्तर, माँ यशोदा गोधन की सौगंध खाती है। प्रश्न न्यू, कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं? उत्तर, कृष्ण अपने प्रतिबिंब को जो खंभे में दिखाई देते हैं उसे माखन खिलाते हैं। प्रश्न ट, यशोमती क्या देखकर हर्षित हो जाती है? उत्तर, यशोमती बाल कृष्ण की लीला देखकर हर्षित हो जाते हैं। भाषा ज्ञान नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। उत्तर, शब्द तत्सम रूप। मूल, मूल का तत्सम रूप है मूल्य। सौ, सौ का तत्सम रूप सत। पुत, पुत का तत्सम रूप पुत्र। तनक, तत्सम रूप थोड़ा। धूत, तत्सम रूप है शरारती। वाव, तत्सम रूप है भुज। मैया, माँ। खिंचाओ, चिड़ना। मैनी, गाओ, सॉरी गैनी गाओ। कजरी, काला। नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थ शब्द लिखिए। शब्द समानार्थी शब्द। नित, नीति, नित्य कर्म। चरण, पांव, पैर। कर, हस्तशुल्क। बाह, भुज, रिश, क्रोध, गुस्सा। तात, बाप, पिता। जात, जीव। वदन, शरीर। श्याम, काला। धूत, शरारती, दुष्ट। सौ, सत। पुत, बेटा या पुत्र। शरीर, अंग। खीजे, चिढ़ाना। दवाई, चुगली, सॉरी चबाई, चुगली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।